फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिनो पेमेंट्स बैंक का एक मिनी स्टेटमेंट को लेकर के अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कंप्लीट। और आपको एक और जानकारी देंगे इस वीडियो में, फिनो पेमेंट्स बैंक का पेमेंट सर्विसेज जो है, जिसको CMS सर्विस भी बोलते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक में, उसका अगस्त 2020 का कमीशन क्या रहने वाला है। हर कंपनी का अलग अलग होता है, उसका अगस्त 2020 में क्या कमीशन रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे सभी कंपनी का कि इसमें कितना कमीशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको कम्प्लीट और सही सही जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमाशंकर कुमार, आप देख रहे हैं UBP स्मार्ट गुरुकुल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, फिनो पेमेंट्स बैंक का मिनी स्टेटमेंट को लेकर के जो अपडेट आया हुआ वो ये है कि अभी तक आपको मिनी स्टेटमेंट किसी भी बैंक का निकालते थे फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा, तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलता था। अब इस पर भी आपको बेहतरीन कमीशन मिलने वाला है हर मिनी स्टेटमेंट चेक करने पर। फ्रेंड्स, वो कितना है देखिए, अब 9 अर्न 25 पैसा मोर ऑन एवरी APS मिनी स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन ओवर एंड अबव योर APS विड्रॉ ट्रांजेक्शन। मतलब आपका APS का जो विड्रॉ करते हैं उसके अलावा अगर आप मिनी स्टेटमेंट भी निकालते हैं तो उस पर आपको 25 पैसा मिलेगा हर ट्रांजेक्शन पे कमीशन, जो अब किसी भी पोर्टल में नहीं मिलता है। इकलौता पोर्टल है जो फिनो पेमेंट्स बैंक, इसमें अब मिलना स्टार्ट हो गया है। चलिए अब आगे के कमीशन स्ट्रक्चर के, CMS सर्विस के कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगस्त 2020 का जो है CMS कमीशन स्ट्रक्चर, यानी कि फिनो पेमेंट्स बैंक पेमेंट सर्विसेज का जो कमीशन है अलग अलग कंपनी में कितना है वो आपको बताते हैं। तो देखिए, सभी कंपनी का लिस्ट आ चुका है CMS का अगस्त 2020 का। देखिए इसमें फ्रेंड्स बहुत कंपनी है, 73 कंपनी का नाम दिया हुआ, टोटल का नाम एक एक कमीशन स्ट्रक्चर बताना संभव नहीं हो सकेगा वीडियो में, बड़ा वीडियो हो जाएगा। आपको जो इम्पोर्टेंट है, जिसका आपको काम है, वैसे वैसे कंपनी का हम आपको कमीशन बता दे रहे हैं। ओला पे आपको ई कॉमर्स का ये है, इसमें आपको पे आउट मिलेगा 0.30% CMS कमीशन। HDFC इस पर आपको 0.12% मिलेगा। बजाज, इस पर आपको मर्चेंट को मिलता है 0.35%, जो बहुत ही अच्छा है, सबसे ज़्यादा बजाज पे मिल रहा है। हीरो कस्टमर से आप, हीरो का कस्टमर से आप कलेक्शन करते हैं तो 0.3% इस पर कमीशन मिल रहा है। L&T टू व्हीलर, इस पर आपको 0.35%। और रिलायंस जियो का जो स्टोर है वहाँ से आप कलेक्शन लेते हैं तो 0.20% आपको मिलता है कमीशन। सेटिन जो मैक्सिमम जगह है हमारे एरिया में भी, उसमें आपको 0.12% कमीशन मिलता है। आशीर्वाद फाइनेंस, इसमें आपको मिलता है 0.17%। स्वतंत्र एजेंट, इसमें आपको मिलता है 0.17%। स्वतंत्र के कस्टमर से भी आप कर सकते हैं, उसमें मिलेगा आपको ज़्यादा थोड़ा 0.20%। फ्यूजन, इसमें 0.12% मिलता है कमीशन। और लोक सुविधा, इसमें ज़्यादा मिलता है 0.30%। और L&T माइक्रो फाइनेंस जो है, इसमें आपको 0.12% मिलता है। समस्ता 0.12%, अगोड़ा 0.12%, अदानी कैपिटल एजेंट इसमें 0.15%। तो सभी कंपनी का अलग अलग है फ्रेंड्स। फिनो पेमेंट्स बैंक का जो है फाइनेंस, उसमें आपको 0.15% मिलता है। इसी तरीके से बजाज फिनसर्व जो है, उसमें आपको 0.15%। बजाज फिनसर्व फ्रेंड हर जगह है, और बजाज फिनसर्व का जो कस्टमर है उसका EMI का भी कलेक्शन आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको 0.15% मिलता है। और मुथूट फाइनेंस 0.15%, जो मेन कंपनी है बड़ा, उसका मैं बता दे रहा हूँ। अवंती फाइनेंस 0.17%, और
उम्मीद हाउसिंग 0.17%, उसके बाद स्वामान एजेंट है 0.15%, समस्ता कस्टमर है 0.17%। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, सभी का मैंने नहीं बताया, सभी का बताना संभव ही नहीं हो पाएगा। और 2020 का जो अगस्त 2020 का कमीशन स्ट्रक्चर CMS का, जिसको पेमेंट फिनो पेमेंट्स सर्विसेज भी बोलते हैं, इसका कमीशन स्ट्रक्चर आपने देखा। और नया अपडेट जो आया हुआ है मिनी स्टेटमेंट को लेकर, जिसमें आपको 25 पैसा कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया फिनो पेमेंट्स बैंक के मर्चेंट को हर ट्रांजेक्शन पे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर आप हमसे फिनो का CSP ले चुके हैं तो हमसे आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताएं, ताकि और लोग को जब भी जानकारी मिल सके कि हमसे कैसा सपोर्ट मिल रहा है मेरे कस्टमर को। और फिनो पेमेंट्स बैंक का आप लेना चाह रहे हैं मर्चेंट या CSP, RNFI का आप डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर या रिटेलर लेना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन पे नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमारा नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके फिनो का CSP ले सकते हैं और RNFI का डिस्ट्रीब्यूटर ID, रिटेलर ID और पार्टनर ID आप हमसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।